नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से मेरे इस चैनल DIY रिपेयर्स में। आज हम लोग इस डिस्को लाइट को एक और तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे। पिछले दो वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें हमने इसे दो तरीके से बनाया था। पहले तरीके में जो मल्टी कलर LED या RGB LED होता है, उसकी मदद से बनाया था। और दूसरे वीडियो में इस डिस्को लाइट को साउंड या म्यूजिक पे चलने वाला डिस्को लाइट बनाया था। इस वीडियो में इसे एक और तरीके से मैं बनाने जा रहा हूँ। इस डिस्को लाइट में जो सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाला पार्ट्स है, वो इसका मोटर है। ये मोटर एक गियर्ड मोटर है, जिसमें इस कैबिनेट के अंदर गियर लगा हुआ है, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये घूमना बंद कर देता है। और इस डिस्को लाइट की खूबसूरती इसके इस डायमंड कट कवर में है। जब ये कवर इस LED के ऊपर घूमता है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, अलग अलग तरह का पैटर्न हम लोग को ज़मीन पे या दीवार पे देखने को मिलता है। अगर इस कवर को घूमने से रोक दिया जाए, तो पैटर्न तो बनेंगे, लेकिन वो घूमता हुआ प्रतीत नहीं होगा। तो चूंकि ये मोटर ख़राब है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस कवर को तो घुमा नहीं सकते हैं, तो एक चेजर सर्किट के मदद से इस LED बल्ब को कनेक्ट करेंगे, ताकि ये LED बल्ब घूमता हुआ प्रतीत हो। तो आइए सबसे पहले चेजर सर्किट का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इसमें एक टाइमर IC 555 यूज़ किया हुआ है, एक डिकेड काउंटर IC 4017 यूज़ किया हुआ है, और तीन ट्रांजिस्टर हैं जो इस LED को जलाने में मदद कर। इन सारे कंपोनेंट को एक जनरल पर्पस PCB बोर्ड पे लगाने के बाद बोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा, आप देख सकते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, जिसकी मदद से हम लोग LED के स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे। ये तीन तार है जो LED में कनेक्ट करना है, आप देख सकते हैं। ये तीनों ट्रांजिस्टर से आया हुआ वायर है, जिसे हमें इन तीनों LED में, इस तीनों LED में कनेक्ट करना है। और एक कॉमन है, ये पॉजिटिव कॉमन है, जिसे हमने 7850 के पिन नंबर 3 से लिया है, यानी इसमें 5 वोल्ट DC आएगा। फिर ये दोनों जो पॉइंट है, जो हमें 7850 पे इनपुट देना है, इसके SMPS से, डिस्को लाइट के SMPS से 10 वोल्ट मिलता है, इसे हमें इन दोनों वायर में इनपुट देना है। इस डिस्को लाइट का जो LED है, उसमें ये जो तीन LED है, वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हमें सीरीज से हटाना होगा इसे, क्योंकि हमें हर एक LED बल्ब को अलग अलग ट्रांजिस्टर से कनेक्शन देना है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ एक प्रिंट है, जो इस LED और इस LED को कनेक्ट करता है। फिर यहाँ से यहाँ एक प्रिंट है, जो इस LED और इस LED को कनेक्ट करता है। तो इसको हटाने के लिए हमें ये ब्लेड से या किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसे हटाना होगा। कुछ इस तरह से इस प्रिंटेड बोर्ड को हटा दें, ताकि जो ये तीन LED आपस में सीरीज में कनेक्टेड था, वो अलग अलग हो जाए। तो आइए इसके जो पॉजिटिव सिरा है, सबको आपस में जोड़ देते हैं, उसे एक कॉमन पॉइंट बना लेते हैं। तो इसके सारे पॉजिटिव सिरे को पहले एक साथ कनेक्ट करते हैं। LED के सारे पॉजिटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट करने के बाद, आइए अब इस सर्किट को इसमें कनेक्ट करते हैं। इस पोटेंशियोमीटर को हम लोग इसके बॉडी में छेद करके भी यहाँ लगा सकते हैं, या फिर इसमें भी लगा सकते हैं।
अब इन वायरों को इसमें कनेक्ट करते हैं। ये सारा वायर कनेक्ट हो गया। अब इसे इसके SMPS से पावर सप्लाई देते हैं। इसको इस बॉक्स में डालने से पहले अच्छा हुआ कि इसे अच्छे से हम इंसुलेट कर लें टेप लगाकर इस सर्किट को या फिर इस सर्किट को। तो मैंने टेप लगाने की जगह ये पेपर को ही डाल दे रहा हूँ। ताकि दोनों सर्किट आपस में टच ना हो। मैंने ये एक पुराने पेन का ये लीड को निकाल के इसको गर्म करके ऐसा बनाया ताकि ये इसमें फिक्स हो सके और इस कवर को इसके ऊपर माउंट करते हैं। तो आइए अब इस डिस्को लाइट को चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जल रहा है। LED के जलने और बुझने की स्पीड को हम लोग इसके ऊपर के कवर को घुमा के कम या अधिक कर सकते हैं। देखिए कम हो गया और अगर इसे बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं दीवार पे ये सेम इफेक्ट जनरेट कर रहा है जो डिस्को लाइट मोटर के साथ करता है। और इस डिस्को लाइट का प्लस पॉइंट क्या है कि इसके स्पीड को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे LED लाइट का स्पीड को कम करने के बाद इसका इफेक्ट देखिए। और इसे हम लोग इसके ऊपर के कवर को घुमाकर स्पीड बढ़ा भी सकते हैं।